अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं बेसिकली कल रात को तो गया था, वहाँ पे इवेंट था, हीर मान जा का मीट एंड ग्रीट था विद द ब्लॉगर्स एंड मीडिया। तो वहाँ तो मेरा सीन ही नहीं था, मतलब सीन हो ही नहीं सकता था, क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो मैं वहाँ से जल्दी निकल गया था। तो अब मैं आया हूँ लक्सेस ग्रैंड, जहाँ पे कास्ट ने सारी स्टे किया हुआ है, और बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई बंदा यार आ जाए, थोड़ी सी बात कर ले भाई, वो ब्लॉग में डाल रहे हैं यार। और तब तक आप ये नीचे कोई मतलब रेड कलर का ना बटन है, तो वो ज़रा सब्सक्राइब कर ले, तो मतलब मर्जी आपकी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मेरे साथ हैं अली रहमान खान, दी अली रहमान खान जी। अली भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास अली भाई, कैसी चल रही है प्रमोशन? बस हेक्टिक बट गुड अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर हमारा आज ख़त्म होने वाला है, बड़ा ज़बरदस्त हमारा प्रमोशनल राउंड गया है। पंजाब इज़ बिन अमेजिंग, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदर, गुजरांवाला, लाहौर, ऑल दी सिटीज़ हैव बीन इनक्रेडिबल। स्पेशली मेरे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं, ऑफकोर्स लाहौर तो है ही है, लाहौर तो इज़ अमेजिंग, बट जो स्मॉलर सिटीज़ जो है ना, नॉट स्मॉलर, मैं तो कहूँगा देर हसलिंग बसलिंग सिटीज़, फैसलाबाद, मुल्तान, इतने ज़बरदस्त खूबसूरत शहर हो गए हैं। गुजरांवाला भी always nice to see people over there, and you know, mainly yes, smaller cities are just, these are the cities that really matter, you know, the people show so much love and bada zabardast maza aata hai log sath connect karne ka, inke sath baatein karne ka, to feel karne ka, yahi to hamare liye fruitful hai, kyunki hame mauka nahi milta normal life mein ye karne ka। चलिए भाई, मैं ये इंटरव्यू पे थोड़ा सा काम कर रहा था, ट्विटर पे मीम सर्च कर रहा था आपके हरीम के बारे में कि आपको दिखाई जाए, और आपका रिएक्शन लिया था जिस तरह मतलब जनरली होता है, तो लेकिन मुझे ट्विटर पे कुछ मिला ही नहीं। मतलब ट्विटर पे हर जगह लव लव एंड लव, तो अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? रियली रियली थैंक यू ऑल। मैं अपने फैंस को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत is what drives us to do well. There's a lot of hate in the world. Hum especially hum Pakistani har cheez pe tanqeed bahut karte hain. Hum log dekhne se pehle this is that this is crap, this is uske piche itni hard work hoti hai, give it a chance, you know, before saying. Maine kuch comments aise passing mein mere cheeze jab hum dekh rahe hote hain to kuch pehle comments nahi likhe hote, ji ji likha hota hai, you know, crap movie. भाई मूवी तो निकली नहीं है, तुम्हें कैसे पता क्रैप है? क्रैप एक्टिंग, क्रैप मूवी, क्रैप, भाई यू हैवंट सीन इट, बट दैट स्टेटमेंट पीपल रीड, यू नो, एंड दे फॉर्म ओपिनियंस, सो एंड यू आर अफेक्टिंग। अब कहते हैं ना, किसी की रोजी पे लात नहीं मारना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कारमा कैसी चीज़ है, अल्लाह ताला देख रहे हैं, अल्लाह ताला। तो इसी तरह आप किसी के काम पे तनकीद ऐसे मत करें विदाउट लुकिंग एट इट, यू नो, हमेशा अच्छाई से। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, अपने माँ बाप से एक चीज़ सीखी है कि कोई बुरा से बुरा भी लग रहा हो ना, उसको बुरा मत बोलो, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है, बेशक, ठीक है। आपने किसी को जवाब नहीं देना, आप इसमें कहो कि यू नो, गोरा हो, काला हो, जिस तरह हो, हम लोग काफ़ी अपने नॉर्मल ज़िंदगियों में ऐसी बातें कर जाते हैं कि ये वो है, ये काला है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये वो है, मगर हमें आइडिया नहीं होता कि हम लोगों को क्या फीलिंग दे रहे हैं, यू नो, हम कह जाते हैं हंसी मजाक में, तालियां मार लेंगे, हाँ बहुत फेमस हो जाएंगे, पॉपुलर हो जाएंगे, अरे भाई तूने तो बड़ी ज़बरदस्त जुगत मारी है, ये वो, मगर हमें आइडिया नहीं है कि उस जिस पे मारी है उस पर क्या जा रहा है, अल्लाह ताला देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, यू नो, हम ये भूल जाते हैं कि हम उधर मुसलमान हम होना भूल जाते हैं। तो आई थिंक उधर एक अच्छा इंसान होना, एक अच्छा मुसलमान होना, एक अच्छा दिल रखना, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ख्याल रखना और दूसरों की फीलिंग्स के लिए ख्याल रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मैं शोबिज़ में हूँ और मुझे तुम बैड कमेंट्स ना दो, हमें बैड कमेंट्स सुन सुन के इतनी आदत हो गई अब तो, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 6 साल हो गए इंडस्ट्री में, मैं वो अब फिल्टर हो जाते हैं दिमाग से, आई डोंट केयर अबाउट देम, बट आई केयर अबाउट द पीपल हु इट मैटर्स टू, ठीक है, आई केयर अबाउट पीपल हु हैव वर्कड सो हार्ड बिहाइंड इट, द कैमरा क्रू, द लाइटिंग क्रू, द स्पॉट बॉयज, यू नो, पीपल, द वर्कर्स, द कारीगर्स हु बिल्ड सेट्स, यू नो, द ड्राइवर्स हु 24 घंटे सोते नहीं है, इधर उधर ट्रांसपोर्ट, इतनी मेहनत चलती है एक फिल्म के पीछे, एटलीस्ट गिव इट अ चांस, एंड इफ इट्स बैड से इट्स अ बैड फिल्म, डोंट से इट्स, जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ना, जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, फ्लॉप एक्टर, फ्लॉप दिस, यू नो, कम ऑन यार, एवरीवन हैज अ हार्ट, एवरीवन हैज
आपको अगर किसी जॉब में आके आपकी आपकी बिल्डिंग में आके आपको ये काम देखे बगैर आगे बैड वर्कर एकदम से आप कहोगे व्हाट दुनिया देखी है क्रैप वर्कर वो कहेगा व्हाट व्हाट यू मीन आई एम वर्किंग रियली हार्ड हाउ कैन यू यू नो पर्सपेक्टिव इज इट्स जस्ट मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव एनी वे मैं इस पर ज़्यादा भाषण वो कहते हैं ना जिसको भाषण नहीं देना चाहता आई डोंट वांट टू गिव लॉन्ग स्पीच एंड सर्मन्स अबाउट आई जस्ट बी काइंड I love my fans. They have shown so much love. Alhamdulillah, मुझे कभी किसी ने अगर hate भी दिया हो ना तो 10 लोग हैं जो मुझे defend कर रहे हैं. So thank you all and for supporting it. I really do love all of my fans. I love them from the core of my heart. Without you, we are nothing. Literally nothing. And your support is what drives us to do better. When we see something nice coming out from you, it makes us want to do 120%, not even 10%, you know? So please keep up the love and enjoy our work because this is what our main aim is to make you enjoy it. This is what we want you to do, enjoy it. If you're not entertained, let us know that it's not entertaining. We'll do better next time. But thank you so much for supporting us and for being there for us and for always believing in us. Love you. We really do love you. And you have no idea how much it is. Like, bahut zyada pyar hai. अच्छा और आगे इंटरव्यू बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बताते चला जाऊं कि हरीम हमारे साथ हैं इस रेस्टोरेंट में होटल में लेकिन उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो वो आ नहीं सकी. हाँ यार असल में आई थिंक शी इज़ आल्सो लिटिल अंडर द वेदर. हम लोग इतना स्ट्रेसफुल हमारा स्केड्यूल होता है कि हम लोग सुबह निकलते हैं और फिर रात को हम एक शो से वापस आए सुबह 5 बजे और फिर आज दोबारा तो आई थिंक शी इज़ लिटिल डाउन अंडर द वेदर. आई मायसेल्फ एम ट्राइंग टू गेट माय बेयरिंग्स राइट बट सही. अच्छा अली भाई मुझे ये बताएं आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि आप लोगों के जो सॉन्ग्स बने हैं उन्हें इतना ज़्यादा आवाम से प्यार मिलेगा मोहब्बत मिलेगी. बिल्कुल आइडिया था कि सॉन्ग्स तो देखें अब हमें इतना तो पता है कि सॉन्ग सुनते हुए हम जब सॉन्ग सुन रहे होते हैं हमें इतना तो पता होता है कि यार सॉन्ग अच्छा गाना तो अच्छा है. और मैंने पहली दफ़ा डी मार सुना था तो मैं एकदम से हर कोरस में मैं भंगड़े में चला जाता था. मैंने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त गाना होगा क्योंकि मुझे अगर भंगड़ा टाइप पसंद आ रहा है तो आई थिंक काफ़ी लोग होंगे जिनको पार्टीज़ पे या भंगड़ा या शादियों पे ये गाना लगाना बड़ा स्पेशली देसी शादी वो लोग देसी वो पार्टियाँ रहती होती कि मेहंदी के बाद सब दोस्त इकट्ठे बैठ के डांस कर रहे हो चलो मेहंदी पे इस्तेमाल करें ना मेहंदी पे लगेगा ज़रूर ये ज़रूर लगेगा और दोनों लगेंगे आई थिंक दोनों हीर मांझा अड्डी मार दोनों ऐसे गाने हैं जो बड़े पंपी गाने हैं बड़े यू नो एक्साइटिंग गाने हैं और ये हमें आइडिया बिल्कुल था. और जब हमने गाना उसमें काफ़ी जब चेंजेस भी करा रहे थे बार बार आ रहा था उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस करा रहे थे तो हमने इसी हिसाब से बनाया था कि इसको बिल्कुल अवामी बनाना है कि लोग बस इसे सुने और बस शुरू हो जाएं. अरे मुझे हीर मांझा का बताएं हीर मांझा की वीडियो एक्सपेक्शनल है मतलब आज तक मैंने तो भाई इस तरह की वीडियो नहीं देखी हॉलीवुड के अलावा कहीं पाकिस्तानी कंटेंट तो कितनी मेहनत उस गाने में पुट इन की है आप लोगों ने. बहुत काफ़ी मेहनत गई है उसमें के अंदर वी हैड टू ऑफ कोर्स शूट हमारी थोड़ी ट्रबल थी अगेन हरीम उसमें थोड़ी बीमार हो गई थी मगर उसने बहुत ज़्यादा एनर्जी और एफर्ट लगाया उसको बहुत सख्त बुखार हो गया था और वो इस डर में थी कि मतलब कि शायद ना हो पाए उसे हमारे पास डेट शूट की डेट्स बड़ी टाइट थी मगर उसने बीमारी में डांस सीखा और अगर आप वीडियो देखें आपको पता नहीं चलेगा कि हमें हरीम थ्रू आउट इस प्रोसेस में शी वॉज़ वेरी सिक तो आई मीन रियली हैंड्स ऑफ ये सारा क्रेडिट हरीम को जाता है जो उसने जो है ना इतना ज़्यादा उसको इतनी बीमारी में भी इसको कैरी ऑन किए है फुल एनर्जी दी है. आपको पता है डांस में तो थोड़ा डिफरेंट होता है आप 100-100 टेके दे रहे होते हैं क्योंकि कभी किसी का स्टेप ऑफ है कभी किसी का हाथ ऊपर चला गया यू नो हैव टू बी इन परफेक्ट सिंक और अगर आपने डांस देखा है यू विल बी ऑल इन परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन. बस का ये है कि हर एक ये एक टेक की बात नहीं है इट इज़ ओवर एंड ओवर अगेन सो यू नीड हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी ऑलवेज लाइक यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ से यू हैव टू परफॉर्म ईच टेक लाइक इट्स द फर्स्ट इवन इफ इट्स योर 50th टेक तो आप उसमें अब यू आर डूइंग हाई एनर्जी डांस एंड यू नो यू डूइंग इट फॉर 50 टेक्स थोड़ी एनर्जी डाउन होती है बट यू हैव टू ब्रिंग इट अप अगेन. सो हम तो खैर ठीक है थे बट क्रेडिट गोज़ टू हरीम उस्मान खालिद बट फॉर मेकिंग सच एन अमेजिंग डांस. उसने इन्विजन किया था कि मैंने कुछ डिफरेंट करना है कुछ मैंने अलग करके दिखाना है दिखाया उसने और ऑफ कोर्स हर्बी सहारा यूके जिसने ये गाना बनाया एब्सोल्युटली यू नो
Herbie, we love you, man. He's amazing vocals and great guy. And as for Jafri, you know, our director of the film, the production team, the dancers, you know, Faizan and his team, amazing. I mean, all of this, everything is not about one individual, it's not about two individuals, it's about small cogs. You know, everyone is doing their own part. So everything is because of these people. अच्छा अली भाई आप लोगों ने तीन मूवीज इकट्ठी की हैं जनान पर्ची एंड देन दिस फिल्म तो आपकी सबसे फेवरेट कौन सी वाली मूवी है आई थिंक मेरी अब सबसे फेवरेट ये है ये वाली इससे पहले मेरी थी ये जनान मेरी भी है और अगर आपको जनान पसंद है तो आपको ये वाली डेफिनेटली पसंद होगी जनान का क्योंकि सॉन्ग लव है Janan, if you like Janan, then you will love Heer Maanja because Heer Maanja is, I think, it is a labor of love. Humne bahut ispe, you know, ispe romance is very sweet. It's very pure. But kis type ka hai? Thoda sa aap elaborate kare. Matlab ek to hoti hai na typical si stories, ladka ladki end mein mil jate hain, that's it. वो थ्रू आउट फिल्म में दिखाने की कोशिश की ये तो मैं आपको आपको देखना पड़ेगा जाके ये तो आपको हाँ नहीं ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर सारा मूवी का मजा खराब हो जाएगा तो यू विल हैव टू गो वॉच इट इन द सिनेमा उसका बट इट इज़ अ वेरी स्वीट लव स्टोरी रोमांटिक कॉमेडी है तो रोमांस है कॉमेडी है ड्रामा है फाइट है फैमिली एंटरटेनर है आप लोग जाके अपने पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं यू नो एंड इट्स अ स्वीट रोमांटिक कॉमेडी रोमांस इसमें बहुत ही प्योर है बहुत अच्छा है क्यूट सा एक तनर रोमांस है उसका तो आई थिंक इट्स वेरी स्पेशल पीपल विल रियली एंजॉय इट म्यूजिक इज़ ग्रेट एक्टिंग इज ग्रेट यू नो सो वेरी फास्ट पेस फिल्म ऐसे ऐसे करके निकलती है तो लोग बोर नहीं होंगे बोर होने का टाइम नहीं दिया हमने बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच अली भाई अपने इतने बिजी शेड्यूल में से मतलब आपने टाइम दिया मीन्स अ लॉट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग